गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज की जो वीडियो है वो क्लास नाइन की है, जिससे हम चैप्टर पॉलीनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं। ठीक है, 2.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ने बोला विच पॉलीनोमियल इज वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल मतलब केवल एक ही वेरिएबल हो उस पर, एक्स वाई जेड पी क्यू एल कुछ भी आपका कोई भी अल्फाबेट हो, अगर एक ही है तो वन वेरिएबल। तो देख लेते हैं भाई, फर्स्ट में देखता हूँ मैं 4x², 3x, 7। तो एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा, एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, वन वेरिएबल में। इसको देखेंगे y²+√2। ठीक है, तो ये भी क्या है, वन वेरिएबल, ये आपकी वन वेरिएबल है क्योंकि एक ही वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट पे, कांस्टेंट से मतलब नहीं हमें, तो वेरिएबल केवल वाई है तो एक ही वेरिएबल में। यहाँ देखो भाई टी की वैल्यू क्या होगी, √2। और मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन पार्ट में भाई पॉलीनोमियल की पावर 1/ फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन में। तो पॉलीनोमियल की पावर किसमें होती है, केवल होल नंबर पे। तो टी की पावर 1/2 है तो ये तो पॉलीनोमियल है ही नहीं। ठीक है, यहाँ देखो भाई वाई, लेकिन वाई के नीचे है, वाई को ऊपर लाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में। तो पॉलीनोमियल की पावर नेगेटिव भी नहीं होती, तो ये भी कोई पॉलीनोमियल नहीं है। ठीक है, अब यहां देखो, तो यानी कि क्या भाई, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, तो यहां पे क्या हो गया भाई, ये थ्री वेरिएबल में, तो ये और ये वन वेरिएबल में, ये थ्री वेरिएबल में, और ये दोनों तो पॉलीनोमियल है ही। ठीक है ना, इसी सा क्वेश्चन नंबर 2 देखो, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो मैंने आपको बोला यानी कि वेरिएबल को छोड़ के जो यानी कि न्यूमेरिक टर्म बचेगी वो कोफिशिएंट होता है, लेकिन यहां पे एक चीज दे दी उन्होंने x². अब हमें केवल वेरिएबल वो ढूंढना है जहां पे x² हो। ठीक है, उसका बताना है कोफिशिएंट, और किसी का नहीं बताना। तो यानी पहला देख लेते हैं, मैंने आपको यानी कि सेकंड पार्ट दिया है। ठीक है, बाकी जो पार्ट मैं नहीं कर रहा हूं वो होमवर्क है, वो आप कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखा है, तो मुझे क्या देखना है, x² भाई, इसमें नहीं है, इसमें x² है। तो इसको यानी कि अब x² को अगर मैं यहां से हटा दूं, इसको यहां से रिमूव कर दूं, तो क्या बचेगा, -1। तो यानी कि यहां पे क्या है, कोफिशिएंट है -1। ठीक है, हमें केवल x², तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, केवल x² देखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन में x² बोला है, x² को हटाओगे तो क्या बचेगा, -1। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट, अब यहां देखो भाई, यहां पे हमें क्या भाई, ये x² है, ये x है, यहां पे पावर नहीं है, तो इसको नहीं देखना हमें, हमें केवल इसको देखना है। तो अगर मैं इसको यहां से हटा दूंगा, इसको यहां से रिमूव कर देंगे, तो क्या बचा, π/2, ये कोफिशिएंट है। तो ऐसे करना है आपको, बस जिसका पूछा है उसी को देखना है, बाकी सबको छोड़ दो और उसको उसमें से हटा दो, बाकी जो बचता है वो कोफिशिएंट होता है ना, इसी सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से करोगे, मैंने आपको बताया भाई बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, वो आप खुद से करोगे, पावर अपनी मर्जी से कुछ भी लगा लो, कोई भी वैल्यू यूज कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बाइनोमियल मोनोमियल बोला आपको, डिग्री दे रखी उसमें कि भाई इतनी डिग्री होनी चाहिए, तो यानी कि कोई भी वेरिएबल रख लो और उसमें उतनी डिग्री लगा दो। बाइनोमियल है तो 2 टर्म, मोनोमियल बोला तो 1 टर्म। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, राइट डिग्री, डिग्री क्या बताई थी, पॉलीनोमियल की हाईएस्ट पावर। तो देख लो यहां पे मैंने कुछ पार्ट लिए, मैं पहला पार्ट लिया, तो यहां पे देखोगे भाई वेरिएबल क्या है, 3 है, यहां पे देखोगे तो 2 है, यहां पे 1 है, तो कौन सी इसमें बड़ी, 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 3। ठीक है, यहां देखोगे तो एक ही वेरिएबल है, पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1, है ना, सिंपल। बाकी पार्ट खुद से करोगे, केवल हाईएस्ट पावर देखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मैंने आपको यही बताया भाई लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक कैसे देखते हैं, लीनियर पावर 1 वेरिएबल की, क्वाड्रेटिक पावर 2 और क्यूबिक पावर 3। तो यहां पे मैंने आपका फर्स्ट और 7 पार्ट लिया, बाकी पार्ट खुद से कर लोगे। तो पहले में देख लो भाई, पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो क्या है ये, बिल्कुल सही, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट देख लो, पावर साफ दिखाई दे रही है, 3 है, तो क्या है ये, क्यूबिक है, है ना, ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक और ये हो गई आपकी क्यूबिक पॉलीनोमियल। ठीक है, बताता कौन सा पॉलीनोमियल है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है। ठीक है, बाकी के जो पार्ट आपके छूट गए हैं वो आप खुद से करोगे, कोई पार्ट में कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। ठीक है, तो समझ आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना आपको। थैंक यू।